हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इफ यू इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन देन इन एक्स एंड वाई देन ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। फिर से आयलर्स थ्योरम का ही एक सेकेंड पार्ट है। तो आयलर्स थ्योरम की हेल्प से हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में, हमने एक्सप्लेन किया था कि अगर आयलर थ्योरम में ये कंडीशन हुई ये वाली, तो हमारे पास होता है x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू एन यू। ये हमने पढ़ा था, ये आयलर थ्योरम थी। अब इसका ही सेकंड पार्ट है ये, तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं फ्रेंड्स। तो प्रूव करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, एक होमोजीनियस फंक्शन लेना होगा। लेट u बराबर एक्स एन फाई वाई अपॉन एक्स इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। यानी हमने एक फंक्शन ले लिया जो कि होमोजीनियस है डिग्री एन का। तो फ्रेंड्स, होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन हमने पुरानी वीडियो में पढ़ी थी, आप वहां से जाके इस डेफिनेशन को देख सकते हो कि होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है। तो उसी बेस पे मैंने ये होमोजीनियस फंक्शन ले लिया। अब हमें क्या चाहिए, डेल स्क्वायर यू चाहिए। तो पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स करना होगा। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स करेंगे तो पहले इस पॉइंट का तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एन बाई टर्म का, तो एन डॉट एक्स टू की पावर एन माइनस वन, और इसको छोड़ देंगे वाई अपॉन एक्स प्लस इस बार हमें इस टर्म को छोड़ना है, इस टर्म को छोड़ना है एक्स की पावर एन, और इसका करना है तो ये हो जाएगा फाइव डैश y अपॉन एक्स, और y अपॉन एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा y तो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा y, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास डेल u अपॉन डेल x, बट हमें चाहिए डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर इसका इसका दोबारा से हमें करना है। तो पहले इस टर्म को इस टर्म पे करते हैं, तो इस टर्म पे करेंगे तो n तो एज ए कॉन्स्टेंट ही है, n बाहर इस टर्म पे किया तो ये हो जाएगा एन माइनस वन फाइव एन माइनस सॉरी एक्स टू की पावर एन माइनस टू, एक्स टू की पावर एन माइनस टू, और इसको छोड़ दिया हमने फाइव वाई अपॉन एक्स। इस बार क्या किया हमने, एन तो ये लिखा और एक्स 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 की पावर एन माइनस वन को छोड़ा, एक्स की पावर एन माइनस वन को छोड़ा, और इसको क्या तो ये हो जाएगा फाइव डैश वाई अपॉन एक्स वाई अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो ये टर्म का हो गया। अब इस टर्म का करना है हमें, तो इस टर्म का किया तो पहले इस टर्म में हमें क्या करना होगा, ये तीन फॉर्म है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फंक्शन दो फंक्शन तीन फंक्शन। तो पहले इस टर्म का करना है, दो को छोड़ के हमने, तो ये हो जाएगा प्लस एन, ये हो जाएगा प्लस एन एक्स टू की पावर एन माइनस वन फाइव डैश y अपॉन एक्स एंड माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। इस बार हमें क्या करना है, इसको इसको छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स पावर एन एंड y अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, इसका किया तो हो जाएगा फाइव डबल डैश, और ये हो गया y अपॉन एक्स, फिर y अपॉन एक्स का होगा तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस का साइन बाहर। अब इस बार इस इन दोनों टर्म का छोड़ना है तो हो जाएगा हमारे पास x टू दी पावर n फाइव डैश y अपॉन x, इसका क्या तो y तो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा, तो वन माइनस मतलब x टू दी पावर माइनस टू का करना है, तो इसका करेंगे तो हमारे पास क्या होगा फ्रेंड्स, इसका डिफरेंशिएशन माइनस टू आगे x टू दी पावर माइनस थ्री, तो ये माइनस टू आगे आएगा तो माइनस टू y और x की पावर थ्री, ये हो जाएगा हमारे पास। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ माइनस साइन पहले था, तो माइनस साइन की वजह से कट जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास टू बाई अपॉन एक्स क्यूब। बट हमें चाहिए क्या, इसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे एक्स टू की पावर एन रह जाएगी, और अगर एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रह जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पे साइन जो होगा वो माइनस का आ जाएगा इस माइनस की वजह से। और इसमें भी करना है फिर हमें एक्स स्क्वायर का, तो ये एक्स स्क्वायर
कट जाएगा और इस साइन को हम बाहर यहाँ ले आएंगे। अब इसमें भी यही करना है तो हमारे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा और ये साइन जो है बाहर आ जाएगा। इसी तरह इसमें करना है हमें, तो इसमें करना है तो हमारे पास यहाँ पे एक्स क्यू की जगह एक्स रह जाएगा और साइन में हमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से ये हो गया एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें निकालना है वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो ये निकालने के लिए अब कर रहे हैं हम डेल यू अपॉन डेल वाई निकालते हैं। तो इसका हम डेल यू अपॉन डेल वाई निकालते हैं तो एक्स टू बार एन तो कॉन्स्टेंट रहेगा, फाइव डैश वाई का वाई अपॉन एक्स और इसका होगा तो वन अपॉन एक्स। अब फाइव डबल डैश निकालना है हमें तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टू दी पावर एन कॉन्स्टेंट रहेगा, वन अपॉन एक्स भी कॉन्स्टेंट रहेगा, ये हो जाएगा फाइव डबल डैश वाई अपॉन एक्स। यहाँ पे भी फ्रेंड्स वाई यहाँ पे सही है हमारे पास और इस टर्म का करेंगे तो वन अपॉन एक्स, यानी ये आ गया हमारे पास डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब अगर और क्या निकालना है टू एक्स वाई डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो यहाँ पे हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये है, तो यहां से डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है तो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो विद रेस्पेक्ट टू वाई अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, पहले यहाँ पे हमें वाई स्क्वायर चाहिए तो वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया हमने तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें चाहिए इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर। अगर इसको करेंगे तो हम इसमें हमें विद रेस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो एन कॉन्स्टेंट रहेगा, एक्स टू दी पावर एन कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि पार्शियली कर रहे हैं। ये हो जाएगा फाइव वाई अपॉन एक्स, फाइव डैश वाई अपॉन एक्स हो जाएगा और ये वन अपॉन एक्स हो जाएगा। इस तरह इसका किया तो इसका करने पे हमारे पास इसमें दो टर्म वाई किए फ्रेंड्स, ये टर्म वाई किए और ये टर्म, तो यहाँ पे हमारे पास एम डॉट एन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये हो एक्स टू दी पावर एन को छोड़ा हमने, फाइव डबल डैश इसका किया हमने तो ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स और इसका वन अपॉन एक्स इस टर्म का किया और हमने ये छोड़ दिया वाई अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्लस इसी तरह से इसका किया हमने तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर एन वाई अपॉन एक्स टू दी पावर एन फाइव डैश वाई अपॉन एक्स और ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। बट इसमें हमें क्या करना है टू एक्स वाई को मल्टीप्लाई भी करना है इसके बेसिस पे, टू एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया तो यहां से ये हो जाएगा एक्स का मल्टीप्लाई तो यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स माइनस वन रहने दो, एक्स ये हट जाएगा यहाँ से और वाई यहाँ आ जाएगा। अब इसमें हमने मल्टीप्लाई किया टू एक्स वाई का तो टू एक्स वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक एक्स तो यहां से हट जाएगा और यहाँ पे टू भी आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास ये टर्म कट चुकी है तो यहां से हमारे पास टू एंड वाई और इस टर्म में भी होगा हमारे पास मल्टीप्लाई तो इसमें टू और वाई और एक्स से एक्स ये काट सकते हैं हम, नहीं ये तो वाई अपॉन एक्स है ये नहीं काट सकते तो यहाँ पे एक्स टू ये हो गया एक पावर काट सकते हैं यहाँ पे ये हो गया हमारे पास। अब इन दोनों को तीनों टर्म्स को ऐड करना है, इस टर्म को एंड इस टर्म को, इन तीनों टर्म्स को अगर हम ऐड करते हैं फ्रेंड्स तो हमारे पास क्या आता है अगर हम देखने चाहे टू वाई एन एक्स टू दावर एन माइनस वन यानी एक्स टू दावर एन माइनस वन है यहाँ पे तो एक्स टू दावर एन माइनस वन वाले टर्म अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये टर्म है एन एक्स टू दावर एन माइनस वन फाइव डैश वाई अपॉन एक्स एंड वाई तो इसी से मिलती हुई है टू यानी टू को हटा दे तो वाई एन एक्स टू दावर एन माइनस वन फाइव डैश वाई अपॉन एक्स एंड वन जो है तो कोई इससे हमारे पास एक बार टर्म तो ये हो गई इसके सिमिलर, ये दो बार है तो इसके सिमिलर एक और टर्म हमें देखनी है जिसमें एक्स टू दावर एन माइनस वन हो तो एक्स टू दावर एन माइनस वन की टर्म ये रही हमारे पास एक्स टू दावर एन माइनस वन फाइव डैश वाई अपॉन एक्स है वाई है वाई का मल्टीप्लाई हो रहा है और एन है इसमें तो इस तरह से ये दोनों टर्म
मिलके ये दोनों टर्म मिलके इस टर्म को काट देंगे। इस तरह अगर इसके लिए देखेंगे फाइव डबल डैश वाले टर्म के लिए, तो फाइव डबल डैश वाले टर्म के लिए देखेंगे तो फाइव डबल डैश वाले टर्म ये रही हमारे पास। तो एक बार तो ये कट जाएगा, एक बार तो एक तो ये एक टर्म तो ये कट जाएगी, सेकंड फाइव डबल डैश वाली टर्म आ रही होगी, ये आ रही हमारी, इसकी हेल्प से ये कट जाएगी। तो इस तरह से ये टर्म कट चुकी है। अब हमारे पास जो टर्म बची है वो क्या, एक तो ये टर्म बची है, ये टर्म बची है फ्रेंड्स, और ये टर्म बची है हमारे पास, और ये टर्म दो टर्म और बची है। तो ये टर्म जो है, ये टर्म और ये टर्म दोनों कट जाएंगे। तो अब हमारे पास इसको जो ऐड करने पे जो टर्म बची है वो सिर्फ जो टर्म बची है ये बची है हमारे पास, ये टर्म है जो हमारे पास सिर्फ बची है, बाकी सारी टर्म कट चुकी है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर इन तीन दोनों का टर्म देखें तो ये हमारे पास यहां पे आ जाएगा एन एन माइनस वन एन एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन फाइव वाई अपॉन एक्स एक्स टू द पावर एन वाई फाइव अपॉन एक्स। ये क्या है हमारे पास, ये फ्रेंड्स हमने स्टार्टिंग में यू माना था, तो ये हमारे पास यू हो गया। तो ये तो हमें प्रूफ करना था, इस तरह से ये प्रूफ हो गया। इसी प्रूफ को हम होमो जो आयलर थ्योरम पढ़ी थी उसके हेल्प से भी कर सकते हैं। अब फिर से हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि आयलर थ्योरम और इससे रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड एग्जांपल हम लेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास u बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई एंड प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तब हमें आयलर थ्योरम को शो करना है। पहले तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है क्योंकि ये एक्स अपॉन वाई है, यहाँ पे वाई अपॉन एक्स है। तो यहां से हमें पहले क्या करना है, साइन इनवर्स को एक्स अपॉन वाई वाई अपॉन एक्स में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई बराबर लेट हम ले लिया थीटा, तो यहां से साइन थीटा बराबर एक्स अपॉन वाई। तो अगर एक्स वन अपॉन साइन थीटा करना है हमें, तो ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स। तो यहां से हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स। तो यहां से हो गया कोसेक इनवर्स वाई अपॉन एक्स बराबर थीटा। तो यहां से साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई को हम चेंज कर सकते हैं कोसेक इनवर्स वाई अपॉन एक्स में। तो इस तरह से यहां पे ये चेंज हो जाएगा। तो अब यहां पे अगर ये चेंज कर लेते हैं तो ये जो हमारे पास जो प्रॉब्लम थी वो कोसेक इनवर्स की फॉर्म आ चुकी है, कोसेक इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो फ्रेंड्स ये जो टर्म है होमोजीनियस, अब कितने ऑर्डर की होमोजीनियस अगर ये देखें हम इसमें, तो ये देखने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली हम क्या कर रहे थे, हम बना रहे थे u बराबर x टू द पावर n फाई y अपॉन x। तो ये फंक्शन जो है y अपॉन x का फंक्शन है, लेकिन x टू द पावर n का कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो अगर n बराबर जीरो हो तो x टू द पावर जीरो बराबर वन होता है। तो यानी जो इसका ऑर्डर जो है, ऑर्डर है इसका एन बराबर जीरो। यहां से हम कह सकते हैं आयलर थ्योरम के बेसिस पे, आयलर थ्योरम का प्रूफ है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस सॉरी एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि एन यू होना चाहिए एन यू, बट एन बराबर जीरो है तो ये जीरो होना चाहिए। तो इस तरह से हमें ये प्रूव करना है कि आयलर थ्योरम स्टेट के लिए श्योर है या नहीं, ट्रू है या नहीं, ये चेक करेंगे। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आना चाहिए। तो हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है। तो पहले निकालते हैं हम डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते हैं तो कोसेक इनवर्स का हमारे पास अगर डिफरेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा वन अपॉन रूट वन माइनस वाई अपॉन एक्स एंड वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब y अपॉन x करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास
विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, पार्शियली कर रहे हैं, तो वाई कॉन्स्टेंट रहेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया प्लस टेन इनवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और अगर y अपॉन एक्स करेंगे तो फिर से y कॉन्स्टेंट रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो डेल u अपॉन डेल x ये आ गया फ्रेंड्स। या इसको हम और अच्छे से लिखना चाहें तो डेल u अपॉन डेल x बराबर हो जाएगा, अगर इसका हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा वन अपॉन y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके नीचे आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को रूट से बाहर लेंगे तो x स्क्वायर को रूट से बांध लेंगे तो ये सिंपली x बाहर आ जाएगा, तो बट y अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस का साइन तो बाहर आ गया, तो x स्क्वायर x से इसकी पावर एक x कट जाएगी, ये हो जाएगा प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ पे भी एलसीएम लिया, यहाँ पे x स्क्वायर आएगा और y अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस का साइन आगे आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये कट गया हमारे पास। बट हमें चाहिए क्या, आयलर थ्योरम के लिए x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y, तो इसमें x का मल्टीप्लाई करना होगा, x का मल्टीप्लाई किया तो ये x कट जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास x डेल u अपॉन डेल x। अब हमें चाहिए विद रेस्पेक्ट टू y करना है, तो डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू ये हो जाएगा, अब हमें इसका करना है कोसेक इनवर्स का, वन अपॉन रूट वन माइनस y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, y अपॉन एक्स क्या तो वन अपॉन एक्स हो जाएगा, क्योंकि वन अपॉन एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, y का हमें करना है तो y का वन हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास माइनस सॉरी प्लस, अब इसका करना है तो वन अपॉन वन प्लस y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन एक्स, तो ये हो गया। बट हमें चाहिए क्या, y का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि y डेल u अपॉन डेल y चाहिए हमें, तो यहां से अगर y का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया y, और ये हो गया हमारे पास y, इसका हमने एलसीएम लिया पहले पहले की तरह, तो x जो है वो बाहर आएगा और x से x कट जाएगा, तो ये टर्म लास्ट टर्म आ चुकी है, और y अपॉन एक्स स्क्वायर भी आएगा यहाँ, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये आ जाएगा, हाँ तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये टर्म भी फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर थी। इसी तरह से यहाँ पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, पूरा एक्स स्क्वायर नीचे आएगा तो वहां से एक एक्स कट जाएगा यहाँ से, और जो एक्स जो एक एक्स बचेगा वो ऊपर चला जाएगा ये। अब हम दोनों को अगर जोड़ दें तो ये दोनों टर्म माइनस की टर्म है, ये इस टर्म से ये टर्म कट जाएगी, इस टर्म से ये टर्म कट जाएगी, तो सम करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो, जो कि आयलर थ्योरम को प्रूव कर रहा है कि ये इक्वल टू जीरो है। अब फ्रेंड्स ऐसे ही और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जिससे आयलर थ्योरम की हेल्प से इनको हम शो कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास अगला नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास u बराबर टेन इनवर्स x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन x माइनस वाई, देन यूजिंग आयलर थ्योरम का यूज करते हुए हमें शो करना है x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू साइन टू यू, ये हमें शो करना है। तो ये शो करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे अभी फिलहाल तो u जो है वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, u को अगर हम देखें तो u जो है होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको होमोजीनियस फंक्शन बनाना होगा, तो होमोजीनियस फंक्शन बनाने के लिए इसको tan इनवर्स को ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स u, सो tan u बराबर tan u बराबर ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपॉन एक्स माइनस वाई। अब अगर हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे x क्यूब कॉमन ले लें और यहाँ से x कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा x क्यूब वन माइनस y y क्यूब अपॉन x क्यूब
और यहाँ पे अपन एक्स कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 - y / x, या यहां से इसको लिख सकते हैं x² और 1 - y³ / x³ / 1 - y / x, यानी x का हमने डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास x² और एक फंक्शन हो गया फाई, जो कि किसका है y - y/x का फंक्शन है। तो फ्रेंड्स यहां से अगर हम देखें तो ये जो फंक्शन है सेकंड ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है, सेकंड ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है। बट फ्रेंड्स अगर यहाँ पे हम देखें तो tan u जो है वो पूरा फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है। तो यहां से हमारे पास जो होमोजीनियस की डेफिनेशन थी वो कहती थी अगर हमारे पास u कोई फंक्शन है तो उस कंडीशन में x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y जो आयलर थ्योरम थी वो ये कहती है हमारे पास n u होगा। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल फंक्शन क्या है tan, तो इसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं आयलर थ्योरम की हेल्प से x डेल अपॉन डेल x tan u प्लस y डेल अपॉन डेल y tan u इक्वल टू n क्या 2 सेकंड ऑर्डर का n और u क्या है tan u। अब फिर tan का हमें डिफरेंशिएशन करना है तो tan का अगर डिफरेंशिएशन करें तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec² तो ये होगा x sec² u डेल u अपॉन डेल x प्लस y sec² u और ये होगा डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 2 tan u। अब sec² u का हमें कॉमन लेके उधर डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू sec² u का डिवाइड हो गया तो 2 tan को क्या कर सकते हैं sin u अपॉन cos u। अब sec² u का हमने डिवाइड किया तो sec² u को यहां लिख सकते हैं sec² u, बट sec² u को क्या लिख सकते हैं इनटू sec² u को 1 अपॉन cos स्क्वायर तो cos² u ऊपर चला जाएगा तो cos u से cos u कट जाएगा एक तो बचा 2 sin u cos u। 2 sin u cos u क्या होगा फ्रेंड्स हमारे पास sin 2 u, जो कि हमारे पास प्रूव करवा रहा था। यहां से हमारे पास प्रूव हो गया x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू sin 2 u। तो इस तरह से आयलर थ्योरम की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर से अगर आपको यहां तक किसी तरह का प्रॉब्लम हो, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे आपको व्हाट्सएप भी करना है, कॉल नहीं करना है फ्रेंड्स। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9460689761 और मेरी मेल आईडी है वो है HITESHMEENA 9785168@gmail.com। फ्रेंड्स अगर आपको डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप मुझसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको व्हाट्सएप पे इसको एक्सप्लेन और कर दूंगा अच्छे से, और यहाँ पर आप मुझे अपनी क्वेरी यहाँ पे भेज सकते हो, वहां पर मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। फ्रेंड व्हाट्सएप नंबर से व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।